हे गाइस वेलकम टू माय रेसिंग चैनल। तो गाइस मंडे नाइट रॉ का एपिसोड भी हो चुका है, मतलब शो हो चुका है। एंड गाइस जिमी ने जे पे अटैक कर दिया, कॉस्ट करवा दिया मैच का। एंड ब्लड लाइन ने अटैक कर दिया है हमारे कोडी रोड्स पे, लाइक सोलो ने समॉन स्पाइक लगाया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप कोई भी रॉ की अपडेट मिस ना करना चाहो तो। तो गाइस सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस शो की स्टार्ट हुई कोडी रोड एंड ड्रू मैकइंटायर के मैच से। तो ड्रू मैकइंटायर एंड कोडी रोड का मैच होता है, मैच बहुत परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था, चल रहा था फुल पेस पे, मतलब गाइस बेस्ट मैच एवर कह नहीं सकते। बट हाँ, स्टार्टिंग की शो में परफेक्ट मैच था, परफेक्ट स्टार्टिंग थी, बहुत अच्छा बिल्ड किया गया था मैच। लेकिन गाइस मैच की एंडिंग बहुत क्रिप्टिक हुई जब सोलो स्क्वाड ने स्मॉल स्पाइक लगा दिया हमारे कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स अपना फिनिशर लगाने लगे होते हैं क्रॉस रोड, लेकिन तभी उन्हें स्मॉल स्पाइक पड़ता है। एंड भाई साहब ड्रू मैकइंटायर इस मैच में जीत चुके हैं एंड विन कर गए हैं मैच। एंड गाइस सोलो स्क्वाड एंड जिमी रॉ पे थे आज। एंड भाई साहब जो उन्होंने कॉस्ट कराया ना अपने भाई को, वो भी बताता हूँ। भाई साहब क्या खतरनाक चीज़ की, गाइस कॉस्ट करवा दिया। उसके बाद कोडी रोड बैक स्टेज जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एंड सेथ रॉलिंस उनके पास खड़े होकर उन्हें दिलासा देते हैं। एंड हमारे जो होते हैं एडम पियर्स, वो कहते हैं कि तेरे साथ जो भी हुआ मैं उसका मतलब करूँगा कुछ ना कुछ। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट मैच था वुमेन रॉयल रंबल भी कह सकते हैं आपको मैच उसको, क्योंकि उसमें जो भी जीता वो मैच क्वालिफाई करता फॉर एलिमिनेशन चैम्बर वुमेन्स के लिए। तो गाइस इस मैच में रॉड्रिगस जीत चुकी है, रकेल रॉड्रिगस आ चुकी है। एंड भाई साहब वो विन कर चुकी है मैच एंड दिस इज द परफेक्ट थिंग एवर, रकेल रॉड्रिगस विन द मैच एंड क्वालिफाई फॉर एलिमिनेशन चैम्बर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, गाइस रकेल रॉड्रिगस के बाद हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज सेगमेंट जहाँ पे हमारी जजमेंट डे की रिया रिप्ली एंड हमारी नाइट जैक्स बैठी होती है। एंड भाई साहब इनमें कॉन्फर्मेशन होती है, मतलब बातचीत होती है, टॉक होती है, ट्रस्ट होती है, सब कुछ होता है। एंड भाई साहब दिस इज अ परफेक्ट थिंग एवर आई सॉ। एंड रिया रिप्ली एंड का मतलब इंटरव्यू ही होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है आउटडोर आर्ट रूथ का सेगमेंट जो बात कर रहे होते हैं, मैंने जजमेंट डे को पूरा अपना दिया, मतलब सपोर्ट दिया, लेकिन जजमेंट डे ने मेरे साथ क्या किया, ये किया उन्होंने, मेरे साथ इंटरव्यू हो रहा होता है। एंड उसके बाद आई वार वार्न कर रहे होते हैं हमारी जेट केबल को। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट मैच था डी आई वाई हमारे मेज एंड आर्ट रूथ वर्सेज जजमेंट डे। एंड दिस इज द परफेक्ट मैच एवर आई सीन एंड दिस इज द बेस्ट थिंग एवर डब्ल्यू डन। एंड भाई साहब क्या चीज़ की यार, डब्ल्यू ने मैच परफेक्ट पेस चल रहा, सब कुछ परफेक्ट, इट इज द बेस्ट एवर थिंग। WWE ने ये मैच बहुत अच्छा बनाया, आर्ट रूथ की मतलब जो चल रही है, जो जजमेंट डे की चल रही है, उसे परफेक्ट वे में बिल्ड किया गया, नेक्स्ट लेवल बिल्ड किया गया, ऐसा बिल्ड जो कोई सोच ना सके। एंड भाई साहब इस मैच में जजमेंट डे जीत चुकी है, जजमेंट डे विन कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता जजमेंट डे किस लेवल पर चल रही है। एंड भाई साहब दिस इज अ परफेक्ट थिंग, द जजमेंट डे जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। एंड नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जजमेंट डे को उस लेवल पर पहुँचना पड़ेगा। एंड भाई साहब उनका मैच है टैग टीम फॉर एलिमिनेशन चैम्बर, वो मतलब करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई जो आप सोच सकते हैं कि जजमेंट डे विन कर गई। एंड भाई साहब आर्ट रूथ की स्टोरी लाइन अभी चल रही है एंड मेज बैठे होते हैं मतलब आउटसाइड। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है, उसके बाद हमें बैक साइड देखने को मिलती है बैकी लेज, बैकी लेज जा रही होती है नेक्स्ट आज तक, लेकिन गाइस बैकी लेज आगे प्रोमो कट करती है बहुत अच्छा। एंड भाई साहब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आपको बताया एलिमिनेशन चैम्बर वुमेन्स क्वालिफाइड मैच कर चुकी है। एंड भाई साहब सभी वुमेन्स आती है, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोमो चला जो 5-10 मिनट का प्रोमो था। इट्स प्रोमो इज बिगर देन बिकॉज WWE के 3 घंटे का शो होता है, आपको पता ही है रॉ का, तो बहुत बड़ा प्रोमो चला। एंड भाई साहब दिस प्रोमो कट फर्स्ट बैकी लेज एंड देन वन बाई वन एवरी एलिमिनेशन चैम्बर पार्टिसिपेंट कम इन द रिंग एंड विजिट एंड कट अ प्रोमो। एंड भाई साहब उन्होंने प्रोमो कट किया, एवरी वुमेन कट अ प्रोमो, टिफनी स्टेटस, बियंका ब्लेयर, हमारी नियोमी एंड रकेल रॉड्रिगस, एवरी वन कट अ प्रोमो एंड परफेक्ट स्पॉटलाइट अर्न, मतलब हर किसी ने परफेक्ट स्पॉटलाइट अर्न की है मतलब इन वुमेन्स में। लेकिन गाइज आपस में अटैक कर देते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, भिड़ पड़ते हैं, लेकिन गाइज भाई साहब नाया जैक्स आती है और सबको तबाह कर देती है, डिस्ट्रॉय एवरी वन, ईच एंड एवरी वन, दे गिव अ स्मोन, दे गिव एवरी थिंग, मीन्स लेग ड्रॉप, मतलब जो अपना फिनिशर डालती हैं इवन वो भी सबको दिया, लिव मॉर्गन की पीठ तोड़ दी हमारी बैकी लेज, एवरी वन डिस्ट्रॉय। एंड नाया जैक्स प्रैक्टिस टॉप नॉच बिकॉज दे फेस ए रिया रिप्ली एंड रिया रिप्ली इज ऑल्सो टॉप नॉच बिकॉज ही इज द रिप्ड एवरी वन। एंड भाई साहब जो करेक्टर नाया जैक्स से चल रहा है, दिस इज डिस्ट्रॉयर, दिस इज ए किलर मशीन बिकॉज दे डिस्ट्रॉय एवरी वन। सो फेस एट रसलमीन सॉरी एलिमिनेशन चैम्बर इज द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन मैच एवर, आप सोच ही नहीं सकते क्या हो सकता है एलिमिनेशन चैम्बर। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग एवर फॉर नाया जैक्स एंड रिया रिप्ली एंड एलिमिनेशन चैम्बर की, दिस इज द बेस्ट थिंग, बिग थिंग इन द रिंग बिकॉज वुमेन्स आर द बेस्ट थिंग डू इन रेसलिंग
दैट्स वाई ट्रिपल एच मेक दिस मैच फॉर अ बेस्ट लेवल. सो गाइज आई मिस वन अपडेट फॉर अनदर अंद्रादे हैज सेगमेंट टू आस्क एवरी वन. आई हैव अर्न एवरी थिंग. मैंने जो अर्न नहीं किया मैं वो अर्न करना चाहता हूँ. एंड भाई साहब उन्होंने ये चीज़ कही, आई अर्न एवरी थिंग इन WWE. बिकॉज वो चले गए थे छोड़ के, उनका वीडियो पैकेज चला था तो मैं थोड़ा सा कवर करना भूल गया था. तो गाइस हमारा नेक्स्ट चलता है आईवार का मैच. एंड आईवार भाई साहब दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एथलीट एवर. आई रिकमेंड बिकॉज दिस इज योर थिंक अबाउट हिज वेट एंड देन दे यूजिंग मून सॉल्ट फॉर हिज ओपोनेंट. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग एवर भाई साहब. क्या मैच है. बट इस मैच में आईवार हार गए, हमारे जीत गए जेट गेबल. एंड भाई साहब दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर बिकॉज ऑफ दिस पर्सन वेट एंड दे शो लाइक एथलीट. दिस इज़ द थिंग, योर वेट डजेंट मैटर, योर एथलीट पावर इट्स मैटर. मतलब आपकी एथलीटिज्म मैटर करता, वेट मैटर नहीं करता. यहाँ से आईवार ये बता रहे हैं. एंड भाई साहब मैच जीत गए जेट गेबल. उनके लिए बहुत बड़े प्लान है, शायद वो गंथर को ही फेस कर ले. एंड गाइस उसके बाद बैक स्टे हमारे न्यू डे का सेगमेंट होता है. न्यू डे बो रही होती है कि नेक्स्ट वीक स्ट्रीक मैच होगा, स्ट्रीक फायर मैच होगा अगेंस्ट न्यू डे वर्सेस हमारे इंपीरियंस के बंदे. तो गाइस नेक्स्ट हमारा फाइनल मैच था, मेन इवेंट मैच था, जे उसो वर्सेस गंथर. एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर. एंड भाई साहब इसमें जो हुई है ना बिल्ड, ट्रिपल एच बिल्ड जिमी एंड जे फ्यूड फॉर रसलमेनिया. एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर ट्रिपल एच डन. टू ब्रदर फाइट एंड इफ हिज इन हिज डैड इज कम फॉर अ रेफरी रोल प्ले व्हाट ही डू. मतलब क्या करेंगे उनका बाप अगर रेफरी का रोल प्ले करे किसकी तरफ जाए. एंड भाई साहब ये चीज़ डन हुई एंड द बेस्ट ऑफ द थिंग एवर. आई थिंक द बेस्ट मैच एवर आई सॉ. सो गाइस मैच बहुत अच्छा था, परफेक्ट मैच, परफेक्ट बिल्डिंग. फास्ट नॉट फास्ट पेड पेस मैच इज मतलब स्लो मैच स्टार्टिंग एंड देन ही चॉप्ड हिज चेस्ट. मतलब चॉप्ड भाई क्या चॉप्ड लगाई है उसकी चेस्ट पे जे उसो की. 10 चॉप लगाए. इवन जे उसो स्पेयर्ड 6 स्पेयर्ड 6 स्पेयर लगाई है, 7-8 स्पेयर गुंथर को. एंड भाई साहब मैच बहुत परफेक्ट चल रहा था. गुंथर ने अपना पावर बॉम्ब लगाया, इवन क्लोज वाइंड, इवन अपने हर चीज़ लगाई, हर मूव परफॉर्म की. लेकिन गाइस लास्ट में क्या होता है, जब 7 स्पेयर हिट द गुंथर एंड देन द फ्रॉग स्लैश, तभी क्या होता है गाइस जिमी उसको बाहर से टन 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 घंटे बजा देते हैं. एंड भाई साहब इससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और भाई साहब इसके बाद मैच ख़त्म होता है, हमारे गुंथर जीत जाते हैं. एंड भाई साहब जिमी ने जे पे अटैक किया ब्रूटली, 2 फ्रॉग स्लैशेस एंड देन दिस साइन आउट रसलमेनिया. एंड भाई साहब इनकी फ्यूड बुक हो चुकी है, रसलमेनिया मैच होगा जिमी वर्सेस जे. एंड ये कंफर्म हो चुका है आज के एपिसोड में. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर, जिमी एंड जे एट रसलमेनिया. वन ऑफ द बेस्ट मैच एवर एट रसलमेनिया दे डू. ट्रिपल एच मेकिंग द स्टोरी लाइन इज परफेक्ट ब्लर लाइन. नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन जिमी जे. कोडी रोड्स अटैक, सॉरी कोडी रोड्स पर अटैक कर दिया हमारे सोलो स्क्वाड. एंड भाई साहब दिस टारगेट इज नेक्स्ट फॉर स्मैकडाउन. स्मैकडाउन में क्या होगा अब पता चलेगा गाइज. एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रो शो एवर आई सॉ. तो कमेंट में बताना गाइज एंड वीडियो को लाइक करना. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब.